नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं lallantop.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री। और आज बात हिमाचल प्रदेश के पांचवें मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की, जो 10 बरस तक इस पद पर रहे हैं और 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद तीसरी बार काबिज होने की हसरत पाले हुए हैं। साल 1998, हिमाचल प्रदेश के 63 साल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री निवास में बैठकर एक सपना संजो रहे थे। सपना 13 साल पुरानी चुनावी परिपाटी को तोड़ने का, कि कोई भी पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाती। उन्हें विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा था, उन्हें कांग्रेस का पुनरुद्धार भी दिख रहा था। पुनरुद्धार की 1990 में जो कांग्रेस उनके नेतृत्व में 68 में 8 सीटों पर पहुंच गई थी, वही 1993 में हुए चुनावों में 8 से बढ़कर 50 का आंकड़ा पार करने में सफल रही थी। ऐसे में वीरभद्र सिंह ने तय समय से 9 महीने पहले ही विधानसभा भंग करने की संस्तुति कर दी और चुनाव के लिए कमर कस ली। ये प्रेम कुमार धूमल के पॉलिटिकल किस्से में मैं वीरभद्र सिंह की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वीरभद्र सिंह की ये गलती प्रेम कुमार धूमल के लिए एक शानदार राजनीतिक प्रस्तावना साबित हुई। 1998 का दौर, अटल आडवाणी का दौर, जब दूसरी पांत के नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही थी। ऐसे ही एक नेता थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, जिन्हें पार्टी ने महासचिव बनाया था। वह हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे। दिसंबर 1997 में जब पार्टी को इस बात की भनक लगी कि वीरभद्र सिंह चुनाव की तैयारियों में हैं, तो श्री ज्वालामुखी के गीता भवन में भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। मीटिंग में शांता कुमार थे, प्रेम कुमार धूमल थे, नरेंद्र मोदी थे और हिमाचल भाजपा के कई कद्दावर नेता थे। सभी नेताओं ने अपनी बात रखी। आखिरी में बारी आई शांता कुमार की। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उनके जोशीले भाषण की उम्मीद थी, लेकिन शांता कुमार ने नाराजगी के साथ कहा, मैं इन चुनावों में लीड नहीं कर सकता, मैं हार का ठीकरा अपने सर फोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। शांता कुमार को लगा कि इसके बाद पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनकी मान मनवल करेगा, सारे टिकट वितरण उनके हिसाब से होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को शांता कुमार का ये तरीका अखर गया। आखिरी में वो बोले, उन्होंने कहा कि चुनाव है, किसी न किसी को तो लीड करना ही होगा, शांता कुमार जी ना सही तो कोई और सही, और ये कोई और कौन था, ये थे प्रेम कुमार धूमल, जो पिछले 2 बरस में नरेंद्र मोदी के खासे करीबी हो गए थे। ये प्रेम कुमार धूमल कौन थे? प्रेम कुमार धूमल, जिन्होंने युवा राजनीति से शुरुआत की थी, 2 बार सांसदी का चुनाव जीते थे हमीरपुर से और 2 ही बार हारे थे, और 1993 के दरमियान वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, और जिस वक्त ये मीटिंग हो रही थी तब भी वह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो शांता कुमार को किनारे करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरी तक ऊहापोह बना रहा। चुनाव के कुछ रोज पहले ही नरेंद्र मोदी अटल आडवाणी को अपनी युक्ति समझाने में सफल रहे और ऐन चुनावी वेला पर प्रेम कुमार धूमल के नाम का ऐलान कर दिया गया, और उसके बाद से धूमल की राजनीतिक गाड़ी चल निकली। और निचले हिमाचल में, जहां पर शांता कुमार को लगता था कि वह बीजेपी के इकलौते बड़े चेहरे हैं, धूमल का चेहरा आगे करके बीजेपी ने कमोवेश क्लीन स्वीप कर दिया और सत्ता में वापसी की उसकी राह खुल गई। राह धूमल की भी खुल गई, लेकिन इस राह की जहां से शुरुआत हुई, अभी आपको वहां लेकर चलते हैं। 10 अप्रैल 1944, इस दिन हमीरपुर जिले की भोरंज तहसील के समीरपुर गांव में प्रेम कुमार धूमल का जन्म हुआ। पिता फौजी थे, माँ गृहिणी थी। पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? जालंधर और अमृतसर में। लॉ की पढ़ाई की ठाकुर रामलाल और यशवंत परमार की तरह, जो पिछले 2 मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के।
कुछ दिनों तक एक कॉलेज में लेक्चरर रहे, उसके बाद LIC का काम किया, फिर अपना काम शुरू कर दिया। पत्नी का नाम शीला, दो बेटे हुए अरुण ठाकुर और अनुराग ठाकुर। चूंकि अरुण राजनीति में नहीं है इसलिए हिमाचल के बाहर उन्हें कम लोग जानते हैं। अनुराग ठाकुर को खूब जानते हैं जो हमीरपुर से 3 बार से लोकसभा के सांसद हैं। सियासी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की, संघ का रास्ता नहीं लिया, सीधे संगठन का, उसके युवा मोर्चे का काम देखने लगे। 1984 में जब हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जगदेव चंद ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तो पार्टी ने प्रेम कुमार धूमल को आगे बढ़ाया। वो चुनाव हार गए लेकिन राजनीतिक महत्ता स्थापित हो गई और इसका फायदा मिला 1989 में। 89 में शांता कुमार तो चुनाव जीते कांगड़ा से और धूमल चुनाव जीते हमीरपुर से। 1991 में भी जीत का ये सिलसिला कायम रहा। जगदेव चंद उनके राजनीतिक गुरु थे। 1993 में जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद धूमल ने सूबे की सियासत में भी और दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। प्रदेश के अध्यक्ष भी बना दिए गए। लेकिन उनको पहला बड़ा राजनीतिक झटका मिला 1996 में, जब वो लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के कटोच के हाथों हार गए। लेकिन इसके बावजूद संगठन पर उनकी पकड़ उतनी कमजोर नहीं हुई थी, अध्यक्ष बरकरार रही थी और इसका फायदा 1998 में मिला। उनको नरेंद्र मोदी की दोस्ती का भी फायदा मिला जिसका जिक्र आपने शुरुआती किस्से में सुना। 1998 के चुनाव में भाजपा ने प्रेम कुमार धूमल के चेहरे पर चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो भाजपा को 31 सीटें मिली और कांग्रेस को 32। क्योंकि केंद्र में कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार चल रही थी इसलिए राज्यपाल पर दबाव था वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाले गठबंधन को या दल को बुलाने का। दो नजीरें दी जा रही थी, एक कि 1996 में जैसे अटल बिहारी को बुलाया गया उसी तर्ज पर सबसे बड़े विधायक दल को बुलाया जाए या फिर सबसे बड़े गठबंधन को बुलाया जाए। वीरभद्र सिंह को बुलाया गया, शपथ ली, लेकिन 11 दिनों में वह बहुमत नहीं जुटा पाए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर बारी आई प्रेम कुमार धूमल की। 31 विधायक उनके थे और 5 विधायक थे हिमाचल विकास कांग्रेस के, जिसे पंडित सुखराम ने शुरू किया था। कांग्रेस के नेता पंडित सुखराम नरसिम्हा राव के दौर में कैबिनेट मंत्री रहे। पंडित सुखराम, जिन्हें कांग्रेस में उपेक्षा के बाद नई पार्टी बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझा। मंडी, जो उनका अपना गृह जनपद है, इसमें उन्हें खूब समर्थन मिला और उससे भी ज्यादा समर्थन उन्होंने भाजपा को दिया। कैसे दिया? क्योंकि पंडित सुखराम के पार्टी के कैंडिडेट्स की वजह से वीरभद्र सिंह के एक दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी कैंडिडेट चुनाव हार गए। पंडित सुखराम के ये विधायक बाद में भाजपा में भी शामिल हो गए। इसका एक सिरा भी 2017 से भी जुड़ता है, जब पंडित सुखराम के बेटे और लंबे अरसे तक कांग्रेस के विधायक रहे और वीरभद्र सिंह की सरकार में अभी हाल तक मंत्री रहे अनिल शर्मा, मंडी के विधायक, भाजपा में इन चुनाव के पहले शामिल हो गए और उनके मुकाबले मंडी के ही एक कद्दावर कांग्रेसी नेता और कैबिनेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर को कांग्रेस के टिकट पर उतारा गया है। लेकिन टिकट की ये बात आगे सुनाएंगे, फिलहाल तो ये सुनिए कि जो पहला कार्यकाल रहा प्रेम कुमार धूमल का वो कैसा रहा। शुरुआती दौर में शांता कुमार थमे रहे, केंद्र की सियासत में मसरूफ थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया था, लेकिन जल्द ही वह प्रेम कुमार धूमल की सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए। इसमें उनकी मदद की 4 ऐसे विधायकों ने जो मंत्री थे और उनके खेमे के माने जाते थे। इस्तीफे हुए, खूब ड्रामा हुआ और 2003 के चुनाव के पहले मान मनवल भी हुई, लेकिन भाजपा को इसका फायदा नहीं मिला और प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में 5 साल पूरे करने के बाद भाजपा बुरी तरह से हार गई। भाजपा चुनाव हार गई थी लेकिन प्रेम कुमार धूमल विधायक ही नहीं हारे थे। 1998 में हमीरपुर जिले की जिस बमसर सीट से चुनाव जीते थे, 2003 में भी वहां से जीत दर्ज की और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने लगे। फिर आया साल 2007 और आया एक स्कैंडल सामने जिसका नाम था क्वेश्चन फॉर कैश। कई सांसदों पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने पैसों के बदले लोकसभा या राज्यसभा में सवाल पूछे। ऐसे ही एक सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, सुरेश चंदेल, जो हमीरपुर लोकसभा से चुने गए थे। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हमीरपुर की लोकसभा पर उपचुनाव हुए जिसमें बमसन के विधायक जी और नेता प्रतिपक्ष धूमल खड़े हुए BJP के टिकट पर और चुनावी जीत दर्ज की। कुछ महीनों के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव हुए
और प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा ने 40 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में अपनी वापसी की। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमीरपुर की लोकसभा सीट से प्रेम कुमार धूमल ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस पर भाजपा के नेता हमेशा वंशवाद का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन अब घिरने की बारी धूमल की थी, क्योंकि उन्होंने हमीरपुर की लोकसभा पर जब एक ही कार्यकाल में दूसरी बार उपचुनाव हुए तो मैदान में उतारा अपने बेटे अनुराग ठाकुर को। इसके बाद अनुराग ठाकुर 2009 और 2014 में भी हमीरपुर की लोकसभा से जीत कर आए। ज्यादा नाम उन्होंने कमाया जब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और क्रिकेट के प्रशासक के रूप में सामने आए। धर्मशाला के स्टेडियम के संदर्भ में भी उनका खूब जिक्र होता है, पर अभी तो हम प्रेम कुमार धूमल की बात कर रहे हैं। 2012 तक उनका कार्यकाल रहा, एक बार फिर से कई विवाद रहे, कई करीबियों ने साथ छोड़ा, इल्जाम लगे, घात प्रतिघात चला और 2012 में वीरभद्र सिंह के हाथों उन्होंने एक बार फिर से सत्ता गवा दी। ये 10 बरस के कार्यकाल में प्रेम कुमार धूमल की उपलब्धियां क्या थी? जैसे शांता कुमार को पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है, वैसे ही प्रेम कुमार धूमल को सड़क वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। एक बात और कही जाती है, समर्थक पक्ष में विरोधी विपक्ष में कहते हैं कि बिजनेसमैन को बहुत बढ़ावा मिलता है। समर्थक कहते हैं चूंकि खुद वो कारोबारी रहे हैं, इसलिए ये इंश्योर करते हैं कि राज्य में बिजनेस खूब फले फूले, और इसके लिए कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाते हैं, कभी दूसरे कारोबारियों को लेकर आते हैं। विपक्षी इसी सवाल पर उनको घेरते हैं और कहते हैं कि धूमल के राज में बाहरियों को ज्यादा मौका मिलता है। बाहरी भीतरी की लड़ाई एक मोर्चे पर और चलती है, जब कभी उनके करीबी रहे उनके सामने आ जाते हैं। ऐसा ही हुआ साल 2012 में। 2012 के विधानसभा चुनाव नए परसीमन में हुए। प्रेम कुमार धूमल की जो परंपरागत सीट थी बमसन, वो नया नाम पा चुकी थी, नए ब्लॉक जुड़ गए थे उसमें। अब इसका नाम हो गया था सुजानपुर। ऐसे में प्रेम कुमार धूमल बगल की हमीरपुर विधानसभा सीट से लड़ने चले गए। लेकिन इस किस्से की शुरुआत पहले सुजानपुर से होती है। एक बिल्डर थे पेशे से, राजेंद्र राणा, धूमल के बहुत करीबी। जब धूमल मुख्यमंत्री थे तो उनके मीडिया सलाहकार भी रहे, लेकिन एक सेक्स स्कैंडल में उनका नाम आया और 2010 में उन्हें बीजेपी छोड़नी पड़ी। 2012 में उन्होंने पर्चा दाखिल किया सुजानपुर से। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने मैदान में उतारा दो बार विधायक रही उर्मिल ठाकुर को। ये उर्मिल ठाकुर जगदेव चंद की बहू थी। जगदेव चंद, आपको ध्यान है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1984 में जिनके चुनाव लड़ने के लिए मना करने पर धूमल पहली मर्तबा लोकसभा का चुनाव लड़े थे, वही जगदेव चंद जिनकी मौत के बाद धूमल सूबे की राजनीति में सक्रिय हुए थे। उर्मिल उन्हीं की बहू है। लेकिन लोगों को लगा कि धूमल के असली कैंडिडेट तो राजेंद्र राणा हैं, और राजेंद्र राणा ने जीत हासिल की। उधर हमीरपुर की सीट का भी एक जगदेव चंद कनेक्शन है। यहाँ पर प्रेम कुमार धूमल के सामने कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे नरेंद्र ठाकुर, जो कि जगदेव चंद के ही दूसरे बेटे हैं। एक बेटे जिनकी बहू उर्मिल ठाकुर, दूसरे बेटे नरेंद्र ठाकुर। करीबी मुकाबला रहा, हालांकि प्रेम कुमार धूमल 9000 के लगभग वोटों से आखिरी में जीत दर्ज करने में सफल रहे। विधानसभा के चुनाव के लिहाज से एक संतोषजनक मार्जिन कहा जा सकता है, लेकिन वीरभद्र सिंह के हाथों ओवरऑल उन्होंने सत्ता गंवा दी। इसके बाद भी वो सूबे की राजनीति में लगातार सक्रिय रहे और उम्मीद कर रहे हैं कि 2017 के चुनाव में अगर भाजपा की वापसी होती है तो मुख्यमंत्री तीसरी मर्तबा वही बनेंगे। प्रेम कुमार धूमल उनके 10 साल के कार्यकाल को हिमाचल प्रदेश कैसे याद रखेगा? प्रेम कुमार धूमल को याद रखा जाएगा शांता कुमार का पकड़ाया गया अनिच्छा से ही सही बैटन सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए। उन्हें याद रखा जाएगा एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर जो संघ की नर्सरी से तो नहीं डेवलप हुआ, लेकिन जब जब मुख्यमंत्री रहा संघ और इसके आनुषांगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को उसने खूब तवज्जो दी। इसको लेकर कांग्रेस उनको बहुत घेरती भी है। वीरभद्र भी कहते हैं कि जब धूमल सरकार में होते हैं तो पूरे सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिकरण कर देते हैं। लेकिन धूमल सियासतदान हैं और अब लगता है कि अमित शाह स्कूल ऑफ
पॉलिटिक्स में भी ढल गए हैं, इसलिए उन्हें ये याद रहता है कि आखिरी में जीत को ही मान मिलता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के या बिहार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी जो भी विपक्षी खेमे के दमदार नेता हैं उनको अपनी तरफ बिना लाग लपेट के किया जा रहा है। जैसे कि मैंने मंडी में अनिल शर्मा का जिक्र किया, 2017 के चुनावों के नतीजे आने के बाद प्रेम कुमार धूमल शायद अपनी आखिरी बड़ी सियासी लड़ाई लड़ें। लड़ाई हमारी भी जारी है, लड़ाई इस बात से कि पत्रकारिता एक खास ढंग से ही हो सकती है या नौजवान पत्रकारिता के लिए गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप लोग जिस तरीके का प्यार ललन टॉक को देते हैं हमें लगता है कि कारवां बढ़ चला है। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं और पॉलिटिकल किस्से आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखिए, हमारे पेज को लाइक करिए, अपने दोस्तों को जिनकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है या ये कहकर दिलचस्पी नहीं लेते हैं कि पॉलिटिक्स सिर्फ बोरिंग चीज़ है, उनको इन किस्सों के बारे में बताइए। यूट्यूब पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी भी टंटना दीजिए ताकि जैसे ही मुख्यमंत्री का कोई एपिसोड अपलोड हो या कोई दूसरा वीडियो आपको फौरन से खबर हो जाए। मुख्यमंत्री दी लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज, आपने हिमाचल प्रदेश के 5 एपिसोड देखे, अब गुजरात के 14 एपिसोड्स का इंतजार करिए। दी लल्लन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।